सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के गोविंदपुर सीएमसी भूमिगत खदान में गुरुवार को वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कन्वेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर रांची के माजी गोविंदपुर परियोजना पदाधिकारी परशुराम नायक मौजूद थे। समारोह में बतौर स्वागत भाषण परियोजना के पीओ परशुराम नायक ने देते हुए कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसे हर साल में पूरा करना चाहिए। साथ ही कहा कि गोविंदपुर के इस परियोजना को सुरक्षित उत्पादन के लिए कई बार पुरस्कृत भी किया गया, जो कि काफी सराहनीय और खुशी की बात है। ये वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, पूरे सीसीएल में ये कार्यक्रम चल रहा है। पहला दिन हम लोग का आज इंस्पेक्शन हुआ, इसमें आज हेडक्वार्टर के टीम, उसके बाद चूरी कोलेरी के पूरा टीम, परियोजना पदाधिकारी मैनेजर, वहाँ के इंजीनियर, वर्क में इंस्पेक्टर सभी आज खदान का निरीक्षण करेंगे और यहाँ का सुरक्षा का जो स्थिति है उस पर उनका मूल्यांकन करेंगे। सुरक्षा सप्ताह बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि यह हम लोगों का वार्षिक परीक्षा के समान है। जब परीक्षा आता है तो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, अभी हम लोग सुरक्षा के प्रति जितना भी इसका मानक था सबको पूरा करने का हमने हर संभव प्रयास किया है। तो इसमें से ये सुरक्षा सप्ताह बहुत जरूरी है, इसमें सुरक्षा की वृद्धि होती है और जो भी हम लोग काम करने के दौरान भूल चूक होती है उसको पूरा करने में यह सुरक्षा सप्ताह बहुत ही सहायक होता है। इसी दौरान हमने अपने कामगार का भी ट्रेड टेस्ट के माध्यम से बहुत का मैंने हम लोग उसको इनाम दिया, इससे उनका जो है मनोबल ऊंचा हुआ। ये जब मनोबल ऊंचा हुआ उससे क्या हुआ, दूसरे श्रमिक भी हमारे जो है अपना सुरक्षा के प्रति और भी जागरूक होंगे और सुरक्षा के प्रति जानकारी ये हासिल करेंगे। हमने क्विज कंपटीशन का अभी जो है ये आयोजन किया, इस क्विज कंपटीशन में हमारे यहाँ के श्रमिक जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उन्होंने टेढ़े मेढ़े सवाल का भी जवाब दिया जो कि बहुत सराहनीय है और ये सवाल दूसरे को भी जानकारी हुआ जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हुआ। तो हम ये इस सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से सभी यहाँ के जितने भी यहाँ जो आए हुए हैं यहाँ पर अतिथिगण और जो भी हमारे यहाँ पर सुरक्षागण में सुरक्षा ये सप्ताह में लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के श्रमिक को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद।